गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. और वेलकम टू माय अनदर वीडियो. और आज की मेरी वीडियो होने वाली है उन कुछ टिप्स के साथ जिसमें आप लाइफ में बहुत खुश रह सकते हैं. तो चलिए उसको लेट्स स्टार्ट. पहला एक मूल मंत्र है कि आप एक खुश रहने के लिए एक लिस्ट तैयार कीजिए. आप उस लिस्ट को तैयार कीजिए जिसमें आप अपने 10, 20, 15 उन लोगों के नेम मेंशन कीजिए जो आपको लगता है कि वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं. ठीक है? और फिर आप उस लिस्ट को तैयार करने के बाद आप ध्यान से ये सोचिएगा कि आप उनकी लिस्ट में भी आते हैं, जिनके जिनको आपने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, क्या आप उनकी लिस्ट में भी आते हैं? आते हैं टिक कर दीजिए, अगर नहीं आते हैं कट कर दीजिए. जितनी आपकी लिस्ट छोटी होगी उतनी ही आपकी लाइफ सुखी होगी. दूसरा मूल मंत्र है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे हो गया ये सब उनके पास, ये छोड़ दीजिए. हमें कैसे करना है, ये कैसे अचीव करना है, इसके लिए क्या करना होगा, इन सब बातों पर ध्यान दीजिए. बहुत खुशी मिलेगी. एंड थर्ड पॉइंट इज, देखिएगा, दूसरे पर उंगली उठाने की वजह उस उंगली को अपनी ओर घुमाइए. अपनी कमियों को देखिए, दूसरों की कमियां ना गिनाएं. अपनी कमियों को एनालाइज कीजिए और सोचिए कि हम उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं. एंड फोर्थ पॉइंट इज, ना बोलना सीखिए. जिस काम को आप नहीं कर सकते हैं कोशिश कीजिए कि आप ना कम बोलें, बट जो काम आपसे नहीं हो पा रहा है उसको ना बोलिए. बिकॉज लोगों की जो एक्सेप्टेशंस हैं आपसे कि ये कर ही देगा, तो उस पर कम से कम आप जो काम नहीं कर सकते हैं उसको ना बोलिए, बहुत सुखी रहेंगे. और जिसके पास फैमिली है वो ऑलरेडी बहुत खुश है, बिकॉज फैमिली सबके पास नहीं होती है. रिश्तों को संजो के रखिए, बिकॉज एक बार रिश्ता बिखरने से वापस नहीं सिमटता है. छोटी छोटी कमियों को किसी की इतना बड़ा मत कर दीजिए कि वो बाद में एक ना हो पाए. और ये देखिएगा, रिश्ते बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं. किसी भी चीज को काम करने में, कमाने में एक बहुत लंबा अरसा लगता है और खत्म करने में सिर्फ एक मिनट काफी है. किसी रिश्ते को बनाने में आपको अपना फुल एफर्ट देना पड़ेगा, बहुत समय देना पड़ेगा किसी और को अपना बनाने में. बट उसको अपने से दूर करने के लिए आप उससे दो शब्द बदतमीजी से बोल दीजिए, सब कुछ दूर हो जाएगा. तो सो इसीलिए ये लाइफ बहुत छोटी है, इसको एंजॉय करके जिएगा सब लोग. और इसको इतना इतना अपने ऊपर प्रेशराइज मत होने दीजिए कि हम दब जाएं. ये लाइफ हमारी बहुत खूबसूरत है, बस हमें इसमें अपनी थोड़ी सी स्माइल शामिल करनी है जिससे ये और ज्यादा खूबसूरत हो जाए. ये सब हमारे हाथ में है. हम जितने अपने आसपास कि लोगों को खुश रखेंगे, अपनी सबसे पहले अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देंगे तो हम खुश रहेंगे. बिकॉज हमारी फैमिली हमसे खुश है तो हम खुश रहेंगे. दूसरा हमें क्या कहता है, वो हमें क्या कह रहा है, इस चीज का हम पर फर्क नहीं पड़ेगा जब हमारे पास हमारी फैमिली होगी. अगर हमारी फैमिली ही बिखरी हुई होगी, आपको आपकी फैमिली ही सपोर्ट नहीं कर रही होगी, तो आपको हर एक बंदे की छोटी से छोटी बात भी आपको हर्ट होगी. तो अपने पास पॉजिटिव लोगों की ज्यादा नंबरिंग रखिएगा. निगेटिविटी वाले लोगों से थोड़ा दूर हटके रहिए, बिकॉज वो भी अपने आप में आपको ही शामिल कर लेंगे. और दूसरा ये है, ये जिंदगी बहुत छोटी है. आपको और हमको नहीं पता आज मैं यहाँ हूं, कल कहाँ हूं, मुझे भी नहीं मालूम है. तो इस लाइफ को इतना एंजॉय करिए जैसे लास्ट डे ऑफ द लाइफ. ये लास्ट डे है हमारा जिंदगी का, उसको उतना ही एंजॉय करके जिएगा, आपकी जिंदगी बहुत सरल हो जाएगी. और ये देखिएगा, मरने के बाद तो हर कोई अच्छा हो ही जाता है. अरे वो तो बहुत अच्छा था, वो तो उस ये तो ऐसे करता था, वो तो वैसे करता था. अगर हम जीते जी अच्छे बने तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है. देखिएगा, ये जो जुबान होती है इससे आप बहुत अच्छे भी बन सकते हैं, बहुत बुरे भी. अपनी जुबान में मिश्री घोल लीजिए. अरे भाई, मिश्री नहीं पसंद है तो शहद घोल लीजिए. इतनी अच्छी बातें कीजिए लोगों से एक स्माइल के साथ कि लोग आपकी बातें सुने तो सुनते रह जाए. खूबसूरती केवल चेहरे की नहीं, दिल की भी होनी चाहिए. दिल के साफ लोग हमेशा ही चेहरे से भी खूबसूरत होते हैं, ये हमेशा याद रखिए. आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए.